देखिए रूस कितना अग्रेसिव है, कितना आक्रामक है, ये हम जानते हैं। लेकिन रूस के इस कदम को क्या चीन का सपोर्ट हासिल है, ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा था। और अब उसका जवाब सामने आया है, रूस के समर्थन में खुलकर सामने आया चीन। रूस पर चीनी मीडिया का फरमान हुआ है एक्सपोज। चीनी मीडिया में एंटी रूस कॉन्टेंट छापने पर लगा दी गई है रोक। रूस के खिलाफ कुछ भी लिखने और छापने पर रोक लगा दी गई है। रूस और अमेरिका को बिना नाराज किए रिपोर्ट दें, यह साफ तौर पर ताकीद की गई है। रूस यूक्रेन कवरेज पर सेंसरशिप आदेश गलती से लीक हो गया है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ऐसे आदेशों को, ऐसे ऑर्डर्स को किस गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जाता है चीन में, और इन्हें दुनिया के सामने नहीं लाने के लिए, दुनिया से छुपाए रखने के लिए कैसी कैसी तिकड़में लगाई जाती हैं। लेकिन गलती से ये चीन के मंसूबे, ये चीन का आदेश दुनिया के सामने आ गया है। चीन के हॉरिजन न्यूज ने एंटी रूस कंटेंट पर लगा दी है रोक और साफ तौर पर कह दिया है कि रशिया के खिलाफ कोई भी खबर पोस्ट नहीं की जाएगी। सबसे पहले थापर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिले थे, जो बातें निकलकर सामने आई थी उससे ऐसा लगा कि रुख दोनों कंट्रीज का ऐसा है कि ताइवान पर तुम हमारा साथ दो, यूक्रेन पर हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन अब ये जो मीडिया का गैग ऑर्डर सामने आया है, क्या ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि चाइना आज की तारीख में रशिया के साथ खड़ा हुआ है, उसके हर कदम को सपोर्ट कर रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे चाइना जब कोई भी कार्रवाई करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, वो 50 साल आगे की सोच के करता है। तो रशिया का इस टाइम जो इंटरेस्ट है, करेक्शन, चाइना का जो इस टाइम इंटरेस्ट है वो मेन इंटरेस्ट है कि अमेरिका का प्रेशर अपने से दूर करके किसी और चीज के ऊपर करना, क्योंकि अमेरिका क्वाड के थ्रू और इंडो पैसिफिक के थ्रू चाइना के ऊपर दबाव बनाए हुए है एक दो साल से। तो जितना ये दबाव किसी और के ऊपर डिफ्लेक्ट होगा उतना चाइना के लिए अच्छा है। तो वो चाहती है कि अमेरिका इसी के साथ रशिया के ऊपर ये प्रेशर शिफ्ट कर दे ताकि उसको थोड़ी सी सांस ले सके। इसलिए वो दिखाने के लिए रशिया का थोड़ा साथ दे रही है, लेकिन खुल के नहीं आ रही है सामने के, क्योंकि एक तरीके से ये एग्रेशन है। तो एग्रेशन को एक्सेप्ट करना और कहना कि ये जायज है, वो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उसका मायना रखता है। लेकिन उसको साथ साथ नजर भी आ रहा है कि अगर ये कामयाब हो गया रशिया का जो स्टेप है, तो उसको ताइवान के ऊपर रोकने के लिए एक तरीके का एग्जाम्पल मिल जाएगा कि उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो बड़े अपने कार्ड्स ठीक है, बिल्कुल। और चीन के हर स्टैंड पर भारत की पैनी नजर है, क्योंकि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चीन आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में अपने हितों को भी साधने की कोशिश कर रहा है। सीधा संबंध उसका भारत की जो रणनीतिक स्थिति है उससे भी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।